लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट है। जमीन से 100 मीटर नीचे प्रेजेंट 27 किलोमीटर लंबे यह इंस्ट्रूमेंट कई सारे मैग्नेट से बनी हुई है। यह मशीन कई मिलियंस बिलियंस प्रोटॉन को एक साथ लेकर लाइट की 99.99% स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोलाइड करने में कैपेबल है। इसमें लगे इलेक्ट्रिक वायर्स को अगर हम एक साथ एक लाइन में रखें तो इसकी कुल लेंथ 2,75,000 किलोमीटर होगी, जो कि इतनी लंबी है कि हम अपने अर्थ को इससे 7 बार लपेट सकते हैं। इसका निर्माण 1998 से लेकर 2008 के बीच में यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च एजेंसी सर्न ने किया था। इसको बनाने में अब तक 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका है। इस मशीन को 1.9 केल्विन मतलब कि -271 सेल्सियस पर चलाया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने में एल्फिल टावर के बराबर स्टील का यूज हुआ था। यहाँ पर 85 कंट्रीज के हजारों साइंटिस्ट एक साथ काम करते हैं।